ये जो तू बोल रहा है ना, एक नहीं पांच लड़कों के साथ गई थी। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। ओह, ही तो वाज द होस्ट इन पूना। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम। तो करण को हम लोग अभी परसों जब हम लोग बाइक राइड के लिए गए थे, तो निखिल, नेहा और मैं उस बाइक राइड पे गए थे रोड सेफ्टी के लिए। ही हैड ऑर्गेनाइज्ड इट। चलो देखते हैं हमारे मोदी कंटेस्टेंट्स में कितना दम और कितनी एनर्जी है। कम ऑन गाइस, अपने बारे में एक बारी रफ्तार और प्रिंस को एक बता दो, आप कौन हो, क्या करते हो? मेरा नाम करण कपूर है, बॉर्न एंड रेज्ड इन द सिटी ऑफ ड्रीम्स मुंबई। अभी पूना में 10 साल से हूँ। एंकरिंग करने का बहुत शौक है, स्टेज पर रहने का बहुत शौक है। जब हजारों की तादाद में लोग मुझे देखते हैं, मेरी आवाज़ सुनते हैं, मुझे पहचानते हैं, मेरी आवाज़ को पहचानते हैं, मेरी शक्ल से ज़्यादा, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। तो आप इतने फेमस हैं, आपने बोला कि आपके साथ आपकी आवाज़ को जानते हैं। जी हाँ। तो इतना सब कुछ काम भी आपके पास, सब कुछ छोड़कर रोडीज रेवोल्यूशन में क्यों आना चाहते हो आप? सर, मेरा एक छोटा सा मिशन है जो मैं कर रहा हूँ। वैसे सब बोलते हैं कि दुनिया बदलनी है, ये करना है, वो करना है, मुझे कुछ बदलना नहीं है, जो बदलना है मुझे। ये बहुत शाना है व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग, इसलिए हमारा पूरा स्टेज संभाल रखा है। जैकेट उतार दे, जैकेट उतार दे, लेट्स डू समथिंग फन। प्रिंस आना, प्रिंस वो दो डब्बे ले, उसके ऊपर रख दे, खड़े होना बीच में और हाथ आगे कर साइड में, साइड में। नो, इट्स कैक्टस, कैक्टस, कैक्टाई, इट्स अ कैक्टाई। अभी इसको रोडीज की फील देनी जरूरी है। दो ईंटे पकड़ा दे, अब बाकी बातें करते रहो। या बताओ आप क्यों आना चाहते हो? सर, एक छोटा सा मिशन है। सब बोलते हैं कि यू नो रेप हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, लड़कियों को बचाओ, लड़कियों को बचाओ। मैं बोलता हूँ लड़कियों को मत बचाओ, लड़कियों को एम्पावर कर दो। एम्पावर देम, स्ट्रेंथन देम, गिव देम दैट काइंड ऑफ एबिलिटी दैट दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट और उनको किसी और चीज़ सहारे की जरूरत ना पड़े। कॉल्ड एज द नीचे गया तो कैक्टस पे, अरे तेरी हीरोइक मोमेंट कौन सी है लाइफ की? हीरोइक मोमेंट सर बहुत सारी रही है, बहुत सारी हीरोइक मोमेंट्स। I've never heard anybody say that. नहीं नहीं पकड़ यार, ये टास्क चल रहा था। हीरोइक मोमेंट ये था सर, एक अंडरडॉग था, पढ़ाई कभी करता नहीं था, कॉलेज में गया था। कॉलेज में जब गया, सॉरी भाई, ये थोड़ी अगली बात करते हैं उसके अगले टास्क के साथ। हाँ प्लीज, वो नहीं कर पा रहा। अब इसको ना ऐसे पकड़े रखिए, ठीक है, यहाँ पे फेस के नीचे, और ये नीचे नहीं आना चाहिए, सीधा और सीधा। यार ये सिक्स्थ क्वेश्चन जो है, इसका जवाब आपने लिखा है। सवाल ये, have you ever hit anyone of the opposite gender? Yeah. If yes, elaborate. बताइए क्या हुआ था? सर, जब कॉलेज में था, I really liked a female. मैंने कभी भी dishonest नहीं रहा हूँ, मैंने कभी किसी को cheat नहीं किया। तो when I loved a girl, I expected only one thing, loyalty. जब मुझे पता चला था she cheating on me, और साथ में पांच और boyfriends थे उसके, I found out, सबको एक साथ खड़ा किया लाइन में और लड़की को लेके आया। It was an impulsive decision. मैं और भी कुछ कर सकता था, पर मैंने फिर उसको चाटा लगा दिया, बिकॉज जो वो कर रही थी वो बहुत गलत था। मैं कुछ और भी कर सकता था। क्या कर सकता था और भी? उसको शायद अब्यूज कर सकता था, उसके घर पे ले जाता उसको और बोलता कि भाई ये क्या कर रही है तू, तेरे घर वालों को पता चले। मतलब यू कुड हैव डिस्ट्रॉयड हर रेपुटेशन बट यू ओनली हिट हर। ये जो तू बोल रहा है ना, एक नहीं पांच लड़कों के साथ गई थी। सुन मेरी बात, it's her choice. Of course. Yeah? Nobody gives you the right, nobody gives you the right to slap a girl. और क्या करता तू आगे जाके, क्या करता उसके साथ? मैं कुछ भी नहीं करता। अभी तो बोला है ना, अभी तूने बोला है कि नहीं बोला है? मैंने उसको एक चाटा मारा, that was an impulsive. और भी बहुत कुछ कर सकता था। नहीं मतलब पॉजिटिवली कर सकता, चाटा नहीं मारता, कुछ और कर देता। किया क्यों नहीं पॉजिटिवली?
पर तूने बोला मैं उसको अब्यूज कर सकता रहा, उसको घर लेके जाता, तूने नहीं बोला कि पॉजिटिव करता कुछ मैं? सर तूने एक बात नहीं लिया कि पॉजिटिव करता मैं? आस्क्ड यू बोथ ऑफ देम, आस्क्ड यू, यू आंसर्ड इट लाइक दैट। करण एक बात तो समझ ले, ये इंपल्सिव डिसीजन नहीं था, ठीक है? यस सर। करण सर, आई विल टेल यू व्हाई, आई विल टेल यू व्हाई, 2 साल के बाद सर उसका कॉल आया। यू आर शट अप, यू सेड मैं उससे प्यार करता था और मैं सिर्फ एक चीज एक्सपेक्ट करता था, लॉयल्टी। हू द फ यू टू एक्सपेक्ट एनीथिंग एनीवन, हू द आर यू टू एक्सपेक्ट लॉयल्टी इवन फ्रॉम योर ओन पेट डॉग? आर यू सर, इफ आई एम शोइंग लॉयल्टी, इफ आई एम, लेट्स से आई एम एंग्री एंड एक्सपेक्ट यू टू बी एंग्री विद मी, बी एंग्री विद मी, I expect it. I expect you to be a mirror reflection of me. Be it. Sir, agar maine galti ki hai. Be a mirror reflection of me. Agar aapne galti ki hai. So usne confess khud kiya. Kya confess kiya? Because she was with me because I was famous in college. To? Bas. To? Kya galti hai? Usko fashion walk karna tha. Usko ramp pe aana tha. Isliye usne ye sab faltu ki mere saath kiya. To pata hai? To pata hai tune kyu mara? Pata hai tune kyu mara? Because your ego shrunk to this big. Correct. That's why. I know. You know why? Because you're an insecure. Upar kar ise. Aur sir, 2 saal ke baad phone karke mujhe bolti hai thank you for slapping me. Agar wo sun rahi hai, to she would be feeling very proud about this. Ke 2 saal ke baad sir uska phone aaya aur usne bola that slap changed her life. Today people look at her with a lot of respect and dignity. Aur log उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। 2 साल बाद जब उसका फोन आया था, यू फेल्ट वेरी प्राउड अबाउट इट, जो निखिल बोल रहा है ना बिल्कुल ठीक है। इट्स नॉट यू, इट्स योर ईगो। आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट एटलीस्ट वुमेन स्टे अवे फ्रॉम यू। पता नहीं तेरे को कब कहां चोट लग जाए तेरे दिल या दिमाग पे, तू थप्पड़ मार देगा उनको। And you've also hit your father. What? No, I pushed him. मुझे मार रहे थे मेरे डैड। मॉम को ऐसा लगा कि अभी और नहीं मारना चाहिए, तो मॉम बीच में आ गई। तो मॉम जब बीच में आ गई, पापा ने मम्मी को धक्का दे दिया, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैंने खड़ा हो गया, मैंने पापा को धक्का दे दिया। और उसके बाद एक हफ्ता कम से कम मैं रोज पापा के पाँव दबा के, उनके बाजू में खड़े रह के उनके पाँव दबा के उनको सॉरी बोलता था एवरी डे। अपने फादर को धक्का मारा? यस। उसके बाद एक हफ्ता सॉरी बोला? यस मैम। उस वक्त तुझे ठीक लगा तूने किया, तो फिर एक हफ्ता सॉरी क्यों बोला? अगर तूने उस वक्त सुन, ही पुशेस योर मॉम बिकॉज़ शी इज ट्राइंग टू सेव यू, उसके बाद तू पैर दबा के सॉरी भी बोलेगा? फिर उसको सॉरी बोला, जैसे हमने अपने डैड को सॉरी बोला एक हफ्ते के लिए, उस लड़की को सॉरी बोला? उसके बाद उसको मैंने 2 दिन के बाद फोन करके सॉरी जरूर बोला था। 2 साल बाद, 2 साल डिसरिस्पेक्टिंग मी ऑल्सो, सुनाई दे रहा है तेरे को? ओवरलैप में मैं बोली जा रही हूँ, बाल्टी उठा, सुनाई दे रहा है? वेरी सॉरी मैम, सॉरी टू यू। करण, जो प्रिंस ने पूछा उसका आपने जवाब नहीं दिया। पापा को आपने एक हफ्ते के लिए सॉरी बोला, जिस लड़की को आपने थप्पड़ मारा था उसको क्या बोला? सर उसको 2 दिन के बाद मैंने सॉरी बोला, उसको मिला मैं एक बार और उसको बोला सॉरी जो मैंने किया उसके लिए सॉरी, बट आई डोंट मीन दैट ऑनेस्टली, क्योंकि जो तूने किया वो भी गलत। पहले बोल रहा था मैं उसको मिला नहीं, वो लड़की ने 2 साल बाद मुझे फोन किया। बोला अभी तूने बोला उसके बाद मैं उस लड़की को मिला नहीं, उसने 2 साल बाद मुझे फोन किया और सॉरी बोला। अभी तू बोल रहा कि 2 दिन के बाद मैं उसको मिला और सॉरी बोला? उस टाइम की बात है सर, 2 दिन के बाद उसको मिल के मैंने सॉरी बोला। एक ही बार मिला उसको, मैंने सॉरी बोला कि जो मैंने किया। रख 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 एक मिनट, तेरे लिए कोई काउंटडाउन नहीं है, चल यार निकल। इधर आ, आई हैव समथिंग फॉर यू, चल निकल, ये ले अपना फॉर्म और निकल। चलो, कोई काउंटडाउन भी नहीं तेरे लिए। सर थैंक यू, जवान से इंसान बन चुका हूं मैं। अच्छा बन गया यार, अगली बार आई और अच्छा बन। यू रिग्रेट व्हाट यू हैव डन नाउ, राइट? ऑफ कोर्स, एज ऑफ नाउ बिकॉज़ ऑफ व्हाट हैज हैपेंड, यस, दिस इज नॉट द वाइब टू सेलेक्ट, ठीक है? It's gone a very wrong way and I hope you have changed. Of course, sir. मैं चाहूंगा, और होता है यार, गलतियां लोगों से होती है, वो regret करे, it's good.
सीख सकता है बंदा, दिमाग बदल सकता है कुछ टाइम के बाद। जा पर उस लड़की को सॉरी बोलियो जितनी बार अपने डैड को बोला था, उससे बोल सकता तीन टाइम्स ज्यादा बोल सकता हूं, इजीली बोल सकता हूं। शी विल फील गुड, शी विल फील गुड। हमें आके प्रूफ दो साल के बाद अगर उसको अकल आ गई है और वो कभी किसी को डिसअपॉइंट नहीं कर रही है। दो साल के बाद देखो पता है, अंडरस्टैंड दिस, यस सर, पीपल डू मिस्टेक्स एंड सम पीपल चेंज। यस, प्रॉब्लम बताऊं किस बात से है, यू आर प्राउड ऑफ इट करण। यस मैम। वर्क हार्ड, वर्क ऑन योरसेल्फ एंड अंडरस्टैंड व्हाई वी ऑल हैव रिएक्टेड लाइक दिस। यू आर अ स्मार्ट गाय, तेरे को समझ आ जाएगी। ओके, यस, बेस्ट लक।